एप्पल जाना जाता अपनी प्राइवेसी के लिए, लेकिन जो उसका यूजर है ना वो खुद की प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पाता था, क्योंकि भाई ना तो ऐप लॉकर मिलता था ना ही ऐप हाइड करने का ऑप्शन मिलता। लेकिन भाई अब ऐप लॉकर भी आ चुका है, ऐप हाइड करने का भी ऑप्शन आ चुका है ऑफिशियली। पहले जुगाड़ करके होती थी चीजें लेकिन वो सही से काम नहीं करती थी। तो किसी भी एप्लीकेशन को हाइड या फिर लॉक करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको दिखेगा रिक्वायर फेस आईडी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे कि आप इसको सिर्फ हाइड करना चाहते हो या फिर लॉक करना चाहते हो। अगर सिर्फ लॉक करना चाहते हो तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, मतलब रिक्वायर फेस आईडी, और इसको हाइड भी करना चाहते हो साथ में लॉक भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लॉक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने रिक्वायर फेस आईडी पर टैप करा तो यहाँ पर ये हमारा ऐप जो है लॉक हो चुका है। अब जब भी मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को खोलूंगा ये मेरी फेस आईडी से ही खुलेगा। जैसे कि मैं टैप करता हूँ तो इसने पहले मेरे फेस को डिटेक्ट करा, मतलब फेस आईडी से ही अनलॉक हुआ है। अब मैं वापस से आऊँ और फिर से इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर फेस आईडी डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ही अनलॉक होगा। अगर मैं यहाँ पर फेस आईडी पर यहाँ पर टैप कर देता हूँ तो जब तक ये मेरा फेस डिटेक्ट नहीं करेगा ये अनलॉक नहीं होगा। इसके बाद मैं फिर से ट्राई करता हूँ, उसके बाद भी अनलॉक नहीं होगा। लेकिन लास्ट में आपको पास कोड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको पास कोड एंटर करके भी अनलॉक कर सकते हो। अब दिखाता हूँ इसको हाइड कैसे करना है। तो यहाँ पर इसको फिर से प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डोंट रिक्वायर फेस आईडी पर टैप करता हूँ, वापस से जाता हूँ और रिक्वायर फेस आईडी पर टैप करता हूँ। इस बार मैं हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी पर टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। तो साफ साफ लिखा है ये हाइड होने वाला, हाइड ऐप पर टैप करा और ये जो है हमारा चला जाएगा हमारा ऐप लाइब्रेरी में हिडन फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक हिडन फोल्डर दिखेगा, जैसे मैं इस पर टैप करूंगा और ये मेरे फेस आईडी से अनलॉक हो जाएगा और मैं फ्लिपकार्ट को ओपन कर सकता हूँ। वापस से आऊँ और ऐप लाइब्रेरी को फिर से खोलूँ तो यहाँ पर फिर से हिडन फोल्डर दिखा रहा है। इसको मैं टैप करके अपने हिडन एप्लीकेशंस को देख सकता हूँ, यहाँ पर अब दिखने लगी है। अब इसको हिडन से निकालना है तो यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करूँ, डोंट रिक्वायर फेस आईडी पर टैप करूँ तो इसके बाद जो है ये वापस हमारा एप्लीकेशन अपनी लोकेशन पर तो नहीं गया लेकिन यहाँ पर अनहाइड हो चुका है। मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट खोलूंगा और चाहे तो उसको होम स्क्रीन पर वापस से ऐड कर सकता हूँ। ऐप लॉकर और ऐप हाइड करने का फीचर जो है अभी iOS 18 में मिला है और iOS 18 जो है पब्लिकली रोल आउट होने वाला काफी जल्द सितंबर के मंथ में और जुलाई में जो है पब्लिक बीटा में रिलीज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है डेवलपर बीटा में फीचर आ चुका है। तो डेवलपर बीटा जो है सभी के लिए नहीं होता है तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इंस्टॉल मत करना। फिलहाल अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसको इंस्टॉल करें तो नीचे कमेंट बता देना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप 2-3 महीने का वेट करो, उसके बाद ये फीचर मिल जाएगा। इसी तरह iOS 18 के काफी सारे फीचर्स आ चुके हैं और उनकी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो जाकर देख लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए तो अभी यही जो आप तो ये जो तो ऐप लॉक